हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश बोलना हुआ आसान के आज फिर एक नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक नया वर्ड समझाने जा रहा हूँ जिसका डे टू डे लाइफ में हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं और उस वर्ड का नाम है फ्लरिश। FLOURISH। फ्लरिश मीन्स होता है स्टूडेंट फलना फूलना, मीन्स टू ग्रो, टू प्रॉस्पर, टू थ्राइव। THRIVE, ये उसके सिनोनिम है स्टूडेंट। ओके, फलना फूलना हमारे लाइफ में स्टूडेंट क्या फलता फूलता है, किस चीज की ग्रोथ होती है, किस चीज की तरक्की होती है। ओके, वो पहले हम आपको बताते हैं। यस स्टूडेंट, तो आपने देखा हमारे आसपास कौन कौन सी चीजें हैं जो फ्लरिश करती हैं, जैसे बिजनेस, राइट? अगर मैंने कोई बिजनेस किया और वो फल फूल रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, माय बिजनेस फ्लरिशेस। कॉमर्स, क्रिएटिविटी, मेरे माइंड में नई नई चीजें क्रिएट होती हैं, नई नई चीजें पैदा होती हैं, तो क्रिएटिविटी फ्लरिशेस। करप्शन, सोसाइटी में करप्शन क्या होता है, फ्लरिश होता है। करियर, राइट? मैंने MBA किया और मेरा करियर फ्लरिश कर गया, यानी कि फल फूल गया। आइडिया, इमेजिनेशंस माइंड में फ्लरिश करते हैं, यानी कि मैं पढ़ता लिखता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, यानी कोई भी सब्जेक्ट मेरे माइंड में आइडियाज को क्या करता है, फ्लरिश करता है, यानी कि मेरी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। ट्रेड, कोई व्यापार कर रहा हूं, अगर मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस है, मैंने पूरे इंडिया में ब्रांचेस खोल दी, तो मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस क्या कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री या मोबाइल इंडस्ट्री या मोबाइल बिजनेस, यानी कि व्यापार से संबंधित हो, रिलेटेड टू बिजनेस, related to ideas, related to corruption, creativity. Community. कोई group हो, society हो, जैसे किसी ने society बना दी, जैसे जैसवाल society, तो जैसवाल society में क्या है, अच्छे तरीके से लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन में, बिजनेस में, लिविंग स्टैंडर्ड में, तो उनका क्या हो रहा है, लाइफ फ्लरिश हो रहा है, राइट? उनका सोसाइटी क्या हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है। ओके, तो क्या क्या फ्लरिश करता है, अब करप्शन है, वो सोसाइटी में फ्लरिश करता है, तो करप्शन फ्लरिशेस
in सोसाइटी, अ बिजनेस है, इंडिया में फ्लरिश कर रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, इंडिया. ओके, यूपी में कर रहा होता तो इन उत्तर प्रदेश, इन यूपी. ओके, मेरा करियर है, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, टाटा कंपनी ज्वाइन कर ली, माय करियर फ्लरिशेस इन टाटा कंपनी. बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो फ्लरिश कर रही है, राइट? तो जो भी चीज फ्लरिश करती है स्टूडेंट, जैसे हमारे प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, तो ये सब क्या करते हैं, एनिमल्स फ्लरिश इन फॉरेस्ट एरिया. इन मीन्स में, यानी फॉरेस्ट एरिया के बीच में प्लांट्स हैं, गार्डन में फ्लरिश कर रहे हैं. तो प्लांट्स फ्लरिश इन माई गार्डन. ओके, तो फ्लरिश का स्टूडेंट बेसिक मीनिंग क्या हो गया, फलना फूलना. इसी से एक वर्ड और बनाया स्टूडेंट, फ्लरिशिंग. फ्लरिश स्टूडेंट, फ्लरिशिंग स्टूडेंट एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है फलता फूलता, राइट? तो एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लगा के इसका यूज कर सकते हैं. जितने भी ये नाउन है जो कि सब्जेक्ट के फॉर्म में है स्टूडेंट, ये बीच में हमारा वर्ब आ गया और लास्ट में मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आपको पता ही है, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ मेकिंग आउट द सेंटेंसेस. वाक्य बनाने का सबसे सरल तरीका है ये, राइट? राइट, मेरा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, मेरा करियर फ्लरिश कर रहा है, मेरे आइडियाज फ्लरिश कर रहे हैं, या प्लांट्स और एनिमल फ्लरिश कर रहे हैं. अगर हम एडजेक्टिव के सेंस में यूज करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? ओके, काइंड पर्सन, यानी कि दयालु व्यक्ति, खूबसूरत लड़की. उसी तरह से फ्लरिशिंग कॉमर्स, फ्लरिशिंग बिजनेस, फ्लरिशिंग करियर, फ्लरिशिंग आइडिया, फ्लरिशिंग ट्रेड, फ्लरिशिंग प्लांट्स, फ्लरिशिंग एनिमल्स. तो इस वर्ड को हम स्टूडेंट इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के बाद आप नाउन को यूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था फ्लरिश वर्ड, और फ्लरिश वर्ड की स्टूडेंट इंग्लिश में भी मीनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं टू प्रॉस्पर. To prosper something or somebody, यानी कोई बिजनेस हुआ या कोई व्यक्ति हुआ, वो फलता फूलता है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तो हम वहां पर भी ये वर्ड यूज करते हैं, टू प्रॉस्पर. प्रॉस्पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म प्रॉस्पर, थर्ड फॉर्म प्रॉस्पर, आईएनजी फॉर्म प्रॉस्परिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म प्रॉस्पर्स. तो फ्लरिश मीन्स स्टूडेंट फलना फूलना. एडजेक्टिव क्या है, फलता फूलता. एडजेक्टिव के सेंस में यूज करना है तो उसके बाद हम नाउन लगा देंगे. तो स्टूडेंट, डे टू डे लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी फ्लरिश करती हैं. इंग्लिश स्पीकिंग का बिजनेस अगर इंडिया में फल फूल रहा है तो हम कह सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस flourishes in India. Okay? The flourishing trade, flourishing industry, flourishing career, ये adjective के रूप में हो गया स्टूडेंट इस word को. और flourish को हम student noun के रूप में use करते हैं.
यस स्टूडेंट, फ्लरिश का एक और मीनिंग होता है जिसको कहते हैं भव्यता। ओके, कोई प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम को हमने बड़े भव्यता से किया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई डिड दैट प्रोग्राम विथ फ्लरिश। आई डिड दैट प्रोग्राम विथ फ्लरिश। डांस शो हुआ, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ और वो बड़ी भव्यता से हुआ, स्टेज शो हुआ, डांस कॉम्पिटिशन हुआ, तो डांस कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड बाई, राइट, डांस कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड बाई सोनी चैनल विथ फ्लरिश। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। इस सेशन के लास्ट में स्टूडेंट आपको इस वर्ड के एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, उसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और इस चार्ट को स्टूडेंट नोट जरूर करिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।